नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम बात करेंगे आज इस वीडियो पे वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके जो कर्मेश हैं, जो मान सम्मान देने वाले हैं, जो संसार में सफलता के सूचक हैं, जिनके तेज के आगे सारे ग्रहों के तेज खत्म हो जाते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसको अस्त कर देते हैं, ऐसे सूर्य नारायण पंचम भाव को छोड़ के षष्ठम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। मित्र ग्रह मंगल की त्रिकोणीय राशि मेष राशि में तीन नक्षत्रों का करेंगे उपभोग। केतु का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र और स्वतः अपने नक्षत्र में, जैसा कि आपको विदित है कि सूर्य नारायण मित्र ग्रह मंगल की मेष राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं, अतः यहाँ से आप ऊंचाई प्राप्त करना शुरू कर देंगे। हमने आपके लिए वीडियो दिया था कि 17 अप्रैल से गुरु महाराज कमान संभाल लेंगे, लेकिन गुरु को कमान संभालता देख सूर्य नारायण ने कहा, गुरुदेव क्यों परेशान हो, मेरे रहते आपको धनुष बाण नहीं उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सूर्य नारायण उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। उच्चता को मतलब सीधे सीधे आपको मान सम्मान, देखिए आपको रिस्पेक्ट कम मिलेगा। आप तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिल जाए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, सफलता मिल जाए, ठीक, संघर्ष कर रहे हैं, विजय मिल जाए, जो खोज रहे हैं वो प्राप्त हो जाए, आपकी वाहवाही होगी। भाई 1000 लोग दौड़ते हैं, 1000 लोगों में से 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो क्या जो 957 लोग 997 लोग दौड़ते हैं वो मेहनत नहीं करते क्या? वो भी मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं जितना फर्स्ट वाला, लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा आई, उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया और उसमें फर्स्ट आ गया। बाकी 997 लोग, उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने मेहनत थोड़ा सा कम किया। तो इस संसार में सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा होता है ना दाल में नमक जैसा, बस उसी का टेस्ट होता है। तो यहाँ पे कर्मा के स्वामी अपने से नवम जा रहे हैं। पॉइंट क्या है, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि चैनल को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़िए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता डेफिनेटली डिसलाइक करते हुए आगे बढ़ना। राधे राधे। आशा करता हूँ कि नवरात्र के पर्व में आप लोग आराधना उपासना में लगे होंगे, जरूर करिएगा जितना भी हो सकता है। जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धि होती है, सिद्धि मतलब शुद्ध होना। तो सूर्य नारायण अपने से नवम जा रहे हैं, कोई भी ग्रह अपने से नवम जाता है ना तो भाग्य लेके आता है उस पार्ट के लिए, तो कर्मा के लिए भाग्य लेके आएंगे, मतलब जो चीज़ें आपके भाग्य की वजह से रुक रही थी वो चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। नौकरी के क्षेत्र में आप हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन का अगर ड्यू है, पॉइंट क्या है, प्रमोशन का ड्यू है, मान लीजिए आप ऐसी संस्था में काम करते हैं जहाँ पे दिसंबर में प्रमोशन होता है, अभी आपके गुरु अच्छे, सूर्य अच्छे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका ACR भर दिया जाएगा, 9 नंबर दे दिया जाएगा, इतना ही फर्क होगा। तो यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। छात्रगण हैं, अगर इस बीच में आपका कोई एग्ज़ाम है भाई, इस बीच में आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, डेफिनेटली सफल होने की संभावनाएँ लगभग 72% है। कितने परसेंट? 72%। वहीं पे आप राजनीतिक क्षितिज पे हैं, राजनीति में आप हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो भी आपके सफल होने के योग 72% से अभव हैं, और जैसे 14 मई के आसपास आएगा आपका ये 100% की ओर भागेगा। तो आप देख लो किस लगन के हो, किस राशि के हो आप, यहाँ पे 14 मई के बाद प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आपके सफल होने में कोई संदेह, कोई शक नहीं रहेगा। या सूर्य नारायण चूंकि कर्मा के स्वामी और छठवां घर सरकार का है, सरकार के सेवा का है, तो जब कर्म का संबंध सेवा से हो जाए तो सरकार या सरकारी नौकरी में सफलता मिलती है। यद्यपि अधिसूचना जारी है, इस समय समय नहीं लगता कि कोई वैकेंसी पूर्ण होगी, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में किए हुए कार्य आपको सफलता की ओर बढ़ाने वाले हैं। सरकार से आप टेंडर लेना चाहते हैं, सरकार से कोई काम कराना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सरकार से काम करा पाएंगे, सरकार आपका सपोर्ट करेगी या सरकारी संस्थान से आपके कार्य बनेंगे। यहाँ पे सूर्य नारायण अकेले नहीं है, गुरु महाराज भी बैठे हैं। 17 अप्रैल के बाद सूर्य गुरु युति, मतलब राजा बुद्धिमान गुरु के साथ, जो गुरु क्षमता रखता है राजा के रक्षण की, तो
वाणी के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा सफलता, शत्रु होंगे पराजित, शत्रु मारे जाएंगे बेमौत, बेमौत नहीं ये गलत वर्ड है, तो बोल दिया जाए। अब ज्योतिष में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं कि आदमी बोल देता है, वैसा होता नहीं। तो यहाँ पे आपको लाभ होगा, जैसे ये 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेंगे अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी गति का है, अश्विनी मेडिकल का नक्षत्र है और ये संसार में ब्रह्मांड में प्रथम नक्षत्र है, इसलिए ये सृजन का नक्षत्र है। अश्व क्या होता है? गति का है। पहले गाड़ी वोड़ी कैसे चलती थी? बैलगाड़ी नहीं चलती थी, अश्व की गाड़ी ही चलती थी, बैलगाड़ी बाद में चली, रेलगाड़ी बाद में चली। तो आज भी देखिए जो शक्ति नापने का है उसको अश्व से रिलेट करते हैं, इतने हार्स पावर का इंजन, ठीक। फिर इसके बाद ये चले जाएंगे भरणी में, भरणी क्या है? इंद्रिय सुख का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, अतः यहाँ पे आपको शुक्र से संबंधित चीज़ों का लाभ होगा, व्यापार में गति पकड़ेंगे, व्यापार में प्रगति आएगी, विदेश से भी आपका लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में भी, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है तो यहाँ पे भी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। लास्ट में ही अपने जाएंगे 14 मई से कृतिका में, तो कृतिका में डेफिनेटली लाभ होगा, 100% लाभ होगा। तीन तरह से लाभ ले सकते हैं आप, एक तो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में, जिसकी कुंडली में इस समय मान लीजिए IPL चल रहा है, अब क्रिकेट खेल रहा है, 14 मई से देखिएगा, सॉरी 14 अप्रैल से बड़े छक्के लगेंगे, विध्वंस कर देंगे। तो यह सूर्य नारायण की कष्टम भाव में जो गोचरी स्थिति है, शत्रु दमन करेगी, क्या करेगी? शत्रुओं का दमन हो जाएगा। यहाँ पे सरकार से सफलता या सरकारी नौकरी सफलता, नौकरी के क्षेत्र में जो परेशानी आ रही थी वो परेशानी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, किंतु सबके साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों की नौकरी भी जाएगी। कष्टम भाव में जब सूर्यदेव उठ चुके हों तो जीवन में एक स्थिति ऐसी बनती है कि आपको झंडा फहराने का भी मौका मिल सकता है, एवरेस्ट पे आप चढ़ सकते हो, लेकिन एक मौका सूर्यनारायण अवश्य जीवन में लाते हैं जो वहीं से उठा के पटक देते हैं, ठीक। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, देन हार कोई और है, देत राहत दिन रैन, ठीक, ये रहीम खान खाना ने लिखी है। और रहीम खान खाना कोई कुंडली में कष्टम भाव में सूर्यनारायण उच्च के थे, तो एक बार राजपाट दिया और एक बार राजपाट छुड़वा भी दिया। तो यहाँ पे अगर आपकी महादशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है तो राजपाट छूट भी जाएगा, लेकिन ज़्यादातर संभावना है राजपाट प्राप्त, राजपाट का सेंस अब राजपाट कहाँ है, राजपाट का सेंस यहाँ से सफलता प्राप्त करने का है। तो भाई आपके सफलता प्राप्त करने की स्टार्टिंग हो गई है, आप छात्र जीवन में सफल होंगे, आप प्रमोशन चाहते हैं सफल होंगे, स्थानांतरण का योग भी यहाँ छोटा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या भविष्य के लिए आप परिवर्तन का योग इसे कह सकते हैं। शुभ होगा, कल्याणकारी होगा, क्योंकि सूर्य अपने से इसके बाद दशम जाएंगे। भरणी में जाएंगे, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा या जीवन साथी जैसे लोग, विपरीत लिंगी का सपोर्ट, पॉइंट क्या है? विपरीत लिंगी का सपोर्ट। आप इसमें कोई मैडम है उनको जी जोर करते रहिए, हाँ मैं सर है, आप लेडीज हैं सर, इस सर आप ही तो सब कुछ है, बस थोड़ी सी चमचागिरी आवश्यक है, ठीक है ना। नाम के आगे कहते हैं जी, और रोटी में घी लगा के रखिए, टेस्टी लगेगी, तो ऐसे थोड़ी सी लगा के रखिए। कृतिका में जाएंगे, कृतिका में परेशानियों को काट के अलग कर देंगे, तो सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन स्थिति है, बस गति पकड़ते समय सावधान रखिएगा। गुरु के साथ बैठे हैं इसलिए गुरु आपको मान सम्मान डेफिनेटली देंगे, आर्थिक जगत में लाभ होगा, संतान के लिए भी आप बढ़ सकते हैं। देखिए जो सूर्य मतलब आत्मा और भरणी मतलब इंद्रिय, भरणी जो होता है ना बीज वपन का है, बीज आप कह सकते हैं जैसे कोई पौधा आरोपित करते हैं तो आरोपित करने का है, तो आप इसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सूर्यनारायण जाएंगे अपने से दशम केंद्र में जाएंगे, तो धीरे से आप अच्छा स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, परमात्मा सबके साथ अच्छा करे, क्या उपाय करें। नवरात्रि आरंभ ही है, आप नवरात्र के पूजन पाठ कर ही रहे होंगे, सूर्य नारायण को जितना मजबूत कर सकते हैं और साथ में गुरु का, तो येलो कलर का चंदन और रक्त चंदन दोनों मिला के लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा पीला चंदन लाल चंदन दोनों मिला के बनाइए, तो क्या हो गया, सूर्य गुरु युति हो गई। गुरु महाराज कृतिका में चल रहे हैं, सूर्य नारायण जब कृतिका में चलेंगे ना तो उस समय देखिएगा संबंधों को थोड़ा बचाइएगा, बहुत संबंध टूटेंगे उस टाइम, इमिडिएटली लोगों के अंदर
सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, एक झटके में बोलेंगे हमारी तुम्हारी राधे राधे, जो आवाज के बाद बात ही खत्म। तो कुछ क्षण के लिए इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो क्या करिएगा, इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। ठीक, सूर्यनारायण को प्रतिदिन अर्घ देना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। पिता या पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करते चलो। देखो एक चीज मेरा अपना मानना है, ब्रह्मांडी ग्रहों को आप कितना भी ठीक करते हो, अगर आप धरती पे विद्यमान ग्रहों को ठीक नहीं करते, जैसे कोई व्यक्ति अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं है, सरकारी नौकरी पहली बात उसको मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई तो अड़चने आती रहेंगी। अगर आपका माँ से संबंध ठीक नहीं है, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो लेकिन सुख कभी प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए ब्रह्मांडीय ग्रहों को ठीक करने के पहले धरती पे विद्यमान ग्रहों को ठीक करना आवश्यक है। इसलिए पिता पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करते चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। सूर्यनारायण को प्रतिदिन अर्घ देना श्रेष्ठ लाभ देगा। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।